बिस्मिल अस्सलाम अलैक्म वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद समा सो टुडे आई एम श्योर विद यू यम ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कि सिर्फ फाइव मिनट्स में बनेगा तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड सो सबसे पहले यहां पर मैंने टू एग्स ले लिए हैं सबसे पहले हम इनको अच्छे से बीट कर लेंगे तो ये रेसिपी बहुत ही इजी बनेगी आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है ब्रेकफास्ट में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है अब हम इसके अंदर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है अदरक का पेस्ट वन टीस्पून इसको ऐड करते हैं उसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर लिया है टू पिंच ये ऐड कर देते हैं उसके अलावा यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली ली है एक अदर जिसको मैंने चॉप कर लिया है नेक्स्ट यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है हाफ टी स्पून आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और एग की क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपने तीन एग लिए हैं तो आप इसको ज़्यादा कर लें और यहाँ पर मैंने रेड क्रश चिली पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून तो यहाँ पर देखें तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है अब इसको हम दोबारा से बीट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग अच्छे से बीट हो गया है और यहाँ पर मैंने लेज ले ली है आप किसी भी कंपनी की और किसी भी फ्लेवर की लेज ले सकते हैं अब हम इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे ये बहुत ही डिफरेंट और ऑथेंटिक रेसिपी बनने वाली है आपने बिल्कुल ही इसको जो है ज़्यादा भी नहीं करना नॉर्मल इसका अच्छे से क्रश कर लेना है तो ये देखें ये क्रश हो गई है तो देख सकते हैं लेस क्रश हो गई है अब हम इसके अंदर ये एग का जो बैटर हमने रेडी किया ये ऐड कर देंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एग मैंने लेस के पैकेट के अंदर ऐड कर दिया है तो जल्दी से अब हम इसको जो है फ्लेम के ऊपर रखते हैं और इसको बॉईल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कढ़ाई मैंने ले ली है और इसके अंदर मैंने फोर ग्लास पानी के ऐड किए हैं और अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑन करते हैं तो फ्लेम ऑन मैंने कर दी है अब हमने पानी के अंदर दो से तीन बॉयल आने देने हैं उसके बाद का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आने लग गया है तो अब इस स्टेज पे हम ये जो चिप्स के अंदर हमने मटेरियल रेडी किया था ये हम इसके अंदर डाल देंगे आप किसी भी कहते हैं पिन की मदद से इसको सिक्योर कर सकते हैं ऊपर से और मैंने यहाँ पर हेयर पिन ली है और इसको सिक्योर कर दिया है अब हमने 10 मिनट के लिए इसको बॉयल आने देना है और ये बिल्कुल साफ़ हेयर पिन है आप इसकी जगह कोई क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी को मैंने चिप्स के पैकेट को पानी के अंदर डाल दिया है अब हम इसको दस मिनट के लिए बॉयल आने देंगे मिलते हैं आपसे दस मिनट के बाद तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट मैंने इसको रखा है और ये अब अच्छे से बॉयल हो गया है अब जल्दी से हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसको कूल डाउन होने का वेट करते हैं उसके बाद हम इसको डिश आउट करके आपसे मिलते हैं